अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं एहतशाम खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शानी एडिट्स। तो फ्रेंड, हमेशा की तरह एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूं। आज हम बात करने वाले हैं रमज़ान मुबारक कमिंग स्टोन स्टेटस एडिटिंग। तो फ्रेंड, मैं आपको सैंपल वीडियो दिखा देता हूं। तो फ्रेंड, ये थी हमारी सैंपल वीडियो, कुछ इस तरह का हम स्टेटस एडिट करेंगे। तो अगर आप भी इस तरह का स्टेटस एडिट करना चाहते हैं जो कि ट्रेंडिंग हो रहा है, तो आपने वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना है, कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना। हो सकता है आपसे इस तरह का स्टेटस क्रिएट ना हो पाए। तो फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रेंड, सबसे पहले आपने ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है और क्लिक करने के बाद आपने 16:9 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। फ्रेंड, इतना करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो आपने मीडिया पर क्लिक कर लेना है, मीडिया ब्राउजर पर क्लिक कर लेना है, सॉरी बैकग्राउंड पर क्लिक कर लेना है और आपने ब्लैक कलर का बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है। इतना करने के बाद आपने इस बैकग्राउंड के ड्यूरेशन को थोड़ा सा लंबा कर देना है। उसके बाद आपने लेयर पर जाना है, मीडिया पर जाना है और आपने डाउनलोड वाला ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है जो आपका डाउनलोड का फोल्डर बना हुआ है। तो इनमें कुछ वीडियोस भी हैं और कुछ PNGs भी हैं जिनका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारी ये मास्क जो है ना PNG है, तो हमने इसको ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आपने इसको फिट टू फुल स्क्रीन कर देना है। इतना करने के बाद आपने अपनी इस पिक्चर को अपने प्रोजेक्ट के एंड तक ले जाना है। तो फ्रेंड, इतना करने के बाद आपने लेयर पर क्लिक कर लेना है, मीडिया पर क्लिक कर लेना है और दोबारा डाउनलोड वाले फोल्डर में जाकर एक और PNG है, लैटिन PNG, तो हमने इसको भी ऐड कर लेना है। फ्रेंड, इतना करने के बाद आपको यहाँ पर ये थीटा दिख रहा होगा, तो आपने इस पर क्लिक कर लेना है और इसको कर देना है डुप्लीकेट। डुप्लीकेट करने के बाद फ्रेंड्स, आपने इस जो है लैटिन PNG है, आपने इसी को पकड़ना है और इस साइड पर ले आना है। फ्रेंड, इतना करने के बाद आपने इसको भी अपने जो प्रोजेक्ट है उसके एंड तक ले जाना है। इतना करने के बाद आपने एक बार दोबारा लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है और एक बॉर्डर है जिसका भी लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो इसको भी आपने डाउनलोड कर देना है। फ्रेंड, मैं जो भी मटेरियल यूज़ करूंगा इन सब का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस बैकग्राउंड को हम ऐड कर लेंगे। फ्रेंड, मैं आपको दिखा देता हूँ ये बॉर्डर PNG। इतना करने के बाद आपने इसको भी यहाँ पर फिट टू फुल स्क्रीन पर क्लिक कर लेना है और इसको फिट टू फुल स्क्रीन कर देना है। इतना करने के बाद फ्रेंड्स, ये जो आपका लैटिन है ये बॉर्डर के बहुत ही साथ हो गया है, तो आपने इसको सेलेक्ट करके इसको थोड़ा सा साइड पर कर लेना है ताकि बॉर्डर भी नज़र आए और हमारा जो लैटिन है इसकी पोजिशन भी ख़राब ना हो। फ्रेंड, इतना करने के बाद आपने इनको जो है ना खींच कर अपने प्रोजेक्ट के एंड तक ले जाना है। और इतना करने के बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर लेयर में जाएंगे, मीडिया में जाएंगे, कलर वीडियो है इसका लिंक मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड, आपने इस कलर वीडियो को ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आपने इसको कर देना है फिट टू फुल स्क्रीन। इतना करने के बाद फ्रेंड्स, आपने इसी वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है और नीचे ब्लेंडिंग में आ जाना है और यहाँ पर आने के बाद आपने इसको कर देना है लाइटन, सॉरी फ्रेंड्स, इसको आपने कर देना है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह जो है ना हमारा कुछ शेप आ जाएगी जो कि बहुत ही प्यारी लग रही है। तो इतना करने के बाद आपका जो बाकी हिस्सा है कलर वीडियो का, आपने इसको जो है ट्रिम कर देना है। इतना करने के बाद फ्रेंड्स, आपने शेयर पर क्लिक कर लेना है और अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। तो फ्रेंड, अभी हमारी वीडियो कम्प्लीट नहीं हुई, तो हमारा कुछ नेक्स्ट प्रोसेस भी है जो हमने करना है। तो जैसे वीडियो एक्सपोर्ट होती है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं हमारी वीडियो एक्सपोर्ट हो गई है। तो आपने अभी क्या करना है, आपने बैक आना है और एक बार फिर बैक आना है, आपको वापस यहाँ पर ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है और आपने 16:9 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। फ्रेंड, इतना करने के बाद आपने दोबारा मीडिया पर क्लिक कर लेना है और एक वीडियो है तो आपने इसको भी ऐड कर लेना है। इसको ऐड करने के बाद फ्रेंड्स, आपने डन पर क्लिक कर लेना है और आपने इसी वीडियो को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको दिखेगा जूम वाला ऑप्शन, तो आपने इसको
जूम करना है, क्योंकि आप देख सकते हैं हमारी वीडियो के साथ जो ये ब्लैक बॉर्डर है बहुत सारा नज़र आ रहा है, तो हमने इसको हाइड करना है। तो फ्रेंड इसके लिए अपने आपको क्या करना पड़ेगा, आपने अपनी फिंगर की मदद से इसको टैप करना है और इसको आपने जूम इन कर लेना है। जूम इन भी कर सकते हैं और जूम आउट भी कर सकते हैं। तो फिलहाल हमने इसको जूम इन करना है। जूम इन करने के बाद फ्रेंड्स हमने यहाँ पर इक्वल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है ताकि हमारा स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट एक ही हो। तो हमने इसको डन कर देना है। इतना करने के बाद फ्रेंड्स अपने लेयर में जाना है, मीडिया पर क्लिक कर लेना है और जो हमने रिसेंटली अपनी वीडियो एक्सपोर्ट की है आपने उसको ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद फ्रेंड्स आपने इसको कर देना है फिट टू फुल स्क्रीन। उसके बाद आपने इसी वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है और इसकी ब्लेंडिंग को आपने कर देना है स्क्रीन। फ्रेंड इतना करने के बाद आपने इसको डन कर देना है। उसके बाद आपने लेयर पर क्लिक कर लेना है, मीडिया पर क्लिक कर लेना है और एक रमज़ान मुबारक की वीडियो है इसका लिंक में मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड इसका क्या काम है, तो इसका भी बहुत एक प्यारा काम है। जब वीडियो मुकम्मल बन जाएगी तो मैं आपको दिखा दूंगा कि किस तरह ये रमज़ान मुबारक प्ले हो रहा है और बहुत ही अच्छा लुक दे रहा है। तो फ्रेंड इतना करने के बाद आपने इसको थोड़ा सा बड़ा कर देना है और अपनी साइज़ के मुताबिक इसको कहीं पर भी फिट कर देना है। बेस्ट तो यही होगा कि आप इसको जो है ना सेंटर में फिट कर दें। सेंटर में आने के बाद फ्रेंड आपने इसको थोड़ा सा बड़ा कर देना है। बड़ा करने के बाद आपने इसको थोड़ा सा नीचे भी करना है और आपने इसकी जो बॉर्डर है उनको भी सेम करना है। इतना करने के बाद आपने लेयर पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है ओवरले का। ओवरले पर फ्रेंड्स आपने क्लिक कर लेना है और हमने यहाँ पर एक ओवरले डाउनलोड करनी है जिसका नाम है स्पॉटलाइट है। तो आपने इसको डाउनलोड किस तरह करना है, तो आपने यहाँ पर नीचे आना है तो आपको मिल जाएगा गेट मोर। तो आप गेट मोर पर क्लिक करेंगे तो आपके पास बहुत सारे ओवरले आ जाएंगे, तो आपने उनमें से ये फाइंड आउट करना है स्पॉटलाइट वाला। तो जैसे ही आप इसको फाइंड आउट कर लें तो इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। फ्रेंड इसके लिए आपका इंटरनेट ऑन होना चाहिए तब ये डाउनलोड होंगे। फ्रेंड हमारे पास ये जो आपको रेड कलर का स्पॉटलाइट दिख रहा है तो हमने इसको ऐड करना है। इसको ऐड करने के बाद फ्रेंड हमने इसको डन कर देना है और डन करने के बाद आपने इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना है और आपने इसकी पोजीशन को देख लेना है। इतना करने के बाद फ्रेंड्स आपकी ये जो स्पॉटलाइट वाली ओवरले है इसको भी आपने वीडियो के एंड तक ले जाना है। इतना करने के बाद फ्रेंड्स मैं आपको वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारी वीडियो में एक लुक आ चुका है, लेकिन अभी भी इसमें एक चीज़ की कमी है, वो है कोई नात। तो फ्रेंड आपके पास अगर ऑडियो में नात पड़ी है तो आपने ऑडियो पर क्लिक कर लेना है और ऑडियो में आपके पास जिस फोल्डर में भी पड़ी है तो आपने उसको इस वीडियो के अंदर डाल देना है। तो मेरे पास ये एक ऑडियो पड़ा है तो इसका लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा, तो आपने इसको प्ले कर लेना है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं एक बहुत ही अच्छे किस्म की वीडियो, हमारा जो वीडियो स्टेटस है वो क्रिएट होकर हमारे पास आ चुका है। तो ये एक बहुत ही प्यारा लुक दे रहा है। तो अगर आप भी इस तरह का स्टेटस क्रिएट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि इसमें जो भी मटेरियल यूज़ हुआ है मैंने ऑलरेडी उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आपको कोई फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड ये एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का स्टेटस है, तो आपने अभी इसको शेयर पर क्लिक कर लेना है और क्लिक करने के बाद आपने इसकी जो रेजोल्यूशन है 1080 पर कर लेनी है और फ्रेम रेट 30 पर कर लेना है और बिट रेट को हाई करके आपने इसको कर देना है एक्सपोर्ट। तो फ्रेंड ये थी हमारी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने वीडियो को लाइक करना है और हमारे चैनल शोनी एडिट्स पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब भी करना है।